और ये है द वर्ल्ड फेमस सिल्वर ट्रेन, जिसे सिंधिया फैमिलीज वाइन सर्व के लिए यूज़ किया करते थे। और इसी हॉल में है सोने की छत, ये जो पूरा गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है, गोल्ड है। इस हॉल में पूरा 560 केजी गोल्ड का यूज़ किया गया है। आज ग्वालियर में दूसरा दिन है और आज हम आप लोग को घुमाएंगे जयविला पैलेस, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल है। और वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा झालर लगा हुआ है और सबसे वजनदार। तो मेरे साथ सुबह अपना काम भी कर रही है, काम भी कर रहा है और जा रहे हैं साथ में। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहां हम दिखाएंगे सोने की छत, चांदी की ट्रेन और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा झूमर, जिसका वजन 3.5 टन है। तो हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर के जयविला पैलेस के मेन गेट पे और यहां से हम लोग को टिकट लेके अंदर जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कितना लगता है। ये भारतीयों के लिए 300 रुपया है और विदेशियों के लिए 850 रुपया। अब हमारा टिकट बन चुका है, ये देखिए। ये रहा जयविला पैलेस का टिकट। अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। ये रहा जयविला पैलेस का खूबसूरत सा नज़ारा। आगे हम लोगों को लॉकर में बैग रख के अंदर जाना पड़ेगा। इसमें टोटल 400 कमरे हैं और अभी विजिटर्स के लिए 40 कमरा खोला गया है, जिसको संग्रहालय बना दिया गया है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी भी रहते हैं, जो केंद्रीय मंत्री है। ये देखिए, पुराने ज़माने के राजा लोगों का गाड़ी, इसी से लोग जाते थे। ये रहा, '74 में इसको बनवाया गया था। उस समय इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया थी और अभी लगभग 10,000 करोड़ के बराबर है। दोस्तों, अब यहाँ वीडियो बनाने से मना कर दिया गया है, तो जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बाकी फ़ोटो शेयर करके समझाऊंगा। इसे महाराजा श्री जीवाजी राव सिंधिया ने बनाया था। इसे विजिटर्स के लिए 1964 में खोला गया है। ये है महल का अंदर का पूरा व्यू। अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर। ये रहा श्री जीवाजी राव सिंधिया जी का मूर्ति। यहाँ चारों तरफ सिंधिया फैमिलीज की फ़ोटो लगी हुई है और उनके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। ये है महाराजा का 60 मीटर लंबी पगड़ी का कपड़ा, जो बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता था। इन कपड़ों पे जो आपको गोल्डन कलर का दिख रहा है, वो पूरा सोने का वर्क किया हुआ है। इसमें देखिए चेन भी लगा हुआ है अभी भी। ये पूरा गोल्ड का वर्क किया गया है इसमें। इस साड़ी में जो स्पाइडर दिख रहा है, ये पूरा गोल्ड से वर्क किया गया है। ये है उनका एम्प्लॉयज़ का ड्रेस कोड, जो अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग तरह का था, जिसका सैंपल यहाँ रखा हुआ है। ये 140 साल पुरानी बग्घी है, जिसमें 50 किलो चांदी का यूज़ किया गया है। इसमें टोटल 12 घोड़े लगते थे। जब राजा को शिकार के लिए जाना होता था तो इसका यूज़ करते थे, जिसमें दोनों साइड बंदूक रखी हुई है। यहाँ अलग अलग तरह के पालकी और डोली रखा हुआ है। पालकी राजा के लिए होता था और डोली महारानियों के लिए। ये होदा है, इसको हाथी के ऊपर रख कर बैठा जाता था। इस रथ को देखिए, इसमें चांदी का परत बैठाया गया है ऊपर से। अब यहाँ से शुरू होता है माधवराव सिंधिया गैलरी, जो मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। यहाँ वो सारी चीज़ें रखी हुई है जो माधवराव सिंधिया जी यूज़ किया करते थे। ये उनका दिल्ली ऑफिस का सेटअप है।
ये स्विमिंग पूल हुआ करता था। ये उनका स्टडी रूम है। ये सारे फर्नीचर्स, और ये है उनका ब्रेकफास्ट रूम। यहाँ उनका हथियार रखा हुआ है जो सैनिक लोग यूज़ करते थे, सारे के सारे ओरिजिनल बंदूक और तलवार रखे हुए हैं। इस कारपेट को देखिए, ये है पर्शियन कारपेट, इसको ईरान से लाया गया था। इसको बनाने में पूरे 13 साल लग गए थे क्योंकि इसके ऊपर 178 फिगर्स बना हुआ है और उनके नाम और नंबर लिखा हुआ है। ये मुरानो ग्लास से बना हुआ झूमर है जिसका वजन पूरा 1 टन है। इस हॉल में जितने भी बर्तन रखे हुए हैं सारे चांदी के हैं। और ये है द वर्ल्ड फेमस सिल्वर ट्रेन जिसे सिंधिया फैमिलीज वाइन सर्व के लिए यूज़ किया करते थे। इसी ट्रैक पे ये चला करती थी। और इसके साइड में 2 टेबल है जिसमें खाना खिलाया जाता था। यह लहंगा महारानी प्रियदर्शिनी राजे द्वारा उनकी सगाई समारोह के दौरान पहना गया था जिसका वजन 5 किलो है। ये है वर्ल्ड की सबसे बड़ी और वजनदार पेयर जोड़े में, जिसका एक का वजन है 3.5 टन और दोनों का 7 टन। 250-250 बल्ब जलते हैं दोनों में। और इसी हॉल में है सोने की छत। ये जो पूरा गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है गोल्ड है। इस हॉल में पूरा 560 केजी गोल्ड का यूज़ किया गया है। इस हॉल में जिस कारपेट का यूज़ किया गया है उसकी लंबाई 100x60 फीट की है। पूरा एक पीस है, इसमें एक भी जोड़ नहीं है। इस कारपेट को इनके सोलो कैदियों ने बनाया था जिसे बनाने में पूरे 12 साल लग गए थे। और ये है उनका इंडियन दरबार हॉल जिसमें राजा महाराजा और उनके सारे मंत्री बैठते थे। ये है उनका द रॉयल किचन। ये स्टोव मिट्टी के तेल से चलने वाला है।